नमस्कार। आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज की मेरी वीडियो थोड़ी अलग टॉपिक पर है। अगर आप लोगों को पेट्स का, एनिमल्स का, डॉग कैट्स का शौक है तो आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। मुझे एनिमल्स का बहुत शौक है। मैंने बहुत से डॉग्स रखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत रखे हैं। तो ऐसे ही कुछ महीने पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा, लेट्स हैव अ पेट, हमें एक डॉग या एक कैट रखनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, तो हमने सोचा कि कैट रखते हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम होती है एज कम्पेयर टू डॉग्स। तो हम कैट वालों के पास गए और हमने कैट लेकर घर आए। जब जैसे ही कैट को घर लेकर आए, एक दो दिन वो ठीक रही और दो तीन दिन के बाद उसकी तबीयत खराब होने लग पड़ी। वो कुछ भी खाती थी उसको वॉमिट होने शुरू हो जाती थी। मैं उसको सुबह शाम इंजेक्शंस लगवाने लग पड़ी। मैं परेशान होकर मैंने कैट वालों को फोन किया जहां से हमने ली थी और उन्हें कहा कि आप इन्हें वापस ले लें और ये ठीक नहीं है, मे बी ये वहां का एनवायरमेंट मिस कर रहे होंगे। सो उस बेसिस पर हम उसको वापस छोड़ आए। तो उन्होंने कहा कि आप दो दिन बाद आकर आप दूसरी कैट ले जाना, और दूसरी कैट जब आप लेने आओगे तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको इससे भी अच्छी कैट, पर्शियन कैट दूंगा। मैं हमने कहा बिल्कुल ठीक है। दो तीन दिन के बाद हम जब दोबारा गए तो हमने वहां से हिमालयन पर्शियन कैट ली। जब हम उसको भी घर लेकर आए और मैंने उसको वहां पर खाना वगैरह घर पर आकर फीड करा, 1.5 डे बाद उसकी भी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उन कैट वालों ने हमें बताया नहीं कि इन कैट्स में भी एक वायरस होता है, फ्ली वायरस होता है, जैसे कि हमारे में कोरोना वायरस है जो कि एक से दूसरे को हो सकता है, वैसे ही कैट्स में भी वायरस होता है कि जो अगर एक कैट को हो तो वो दूसरी कैट को हो जाता है। मेरी फर्स्ट कैट की इम्यूनिटी वीक हो गई थी जिसका मेरे को अंदाजा नहीं था। दूसरी कैट की भी इम्यूनिटी सेम, वैसे ही उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर में उसकी भी तबीयत खराब हुई और उसको भी हम हॉस्पिटल छोड़ आए और हमने ये सोचा कि लेट्स नॉट हैव अ कैट नाउ। सो जब हम घर आए तो हम बहुत अपसेट थे क्योंकि दो तीन दिन ऑलरेडी 1 वीक इस चीज में चला गया, तो हम लोग बहुत कैट्स को मिस करने शुरू हो गए अपने और घर पर बहुत शांति से होने लग पड़ी। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू इतना महावास्तु महाज्योतिष करती है तो कुछ देख के ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे घर कोई पेट क्यों नहीं टिक पा रहा। मैंने कहा हाँ, मेरे को देखना चाहिए। जब मैंने देखा तो मैं अपनी कैट को जहां पर खाना दे रही थी वो नॉर्थ वेस्ट में हमारे एक देवता होते हैं रोगा, रोग देवता पर मैं उसको खाना दे रही थी जो फटीक और वीकनर के देवता हैं। मैंने वहां पर नोटिस किया कि ये मेरी गलत जोन बनी उसको खाना फीड करने की। और उसके बाद मैंने नोटिस करा कि अपने हस्बैंड का चार्ट देखा और अपना एस्ट्रो चार्ट देखा तो कैट्स जो होती है वो वीनस, शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि बहुत सुंदर होती हैं। मोस्टली बाहर के लोग पहले उसको रखा करते थे, अब यहाँ पर भी इंडिया में भी ट्रेंड आ गया है। तो जब मैंने वो देखा तो उनकी महादशा वीनस की चल रही थी, मेरे हस्बैंड की, और उसमें 180 का हिट आ रहा था। ऑल दो हमारे महावास्तु और महाज्योतिष में सभी हिट पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी हिट ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, सभी हिट अपने आप में बैलेंस हैं। बट 180 का हिट जो है वो या तो ब्रेक करता है या तो चीड़फाड़ कर देता है। तो उनका महादशा में शुक्र चल रहा था और उसका फर्स्ट हाउस में वीनस में 180 का हिट आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि हमें अब और कैट्स नहीं लेनी चाहिए, हम आपका केतु अच्छा है, मेरा भी केतु अच्छा है, हमें डॉग रखना चाहिए। अगर हम डॉग रखेंगे और उससे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और वो तंदुरुस्त रहेगा। तो वैसे ही हमने सोचकर 15-20 दिन बाद जब हमने ये वायरस के बारे में पता चला था तो उन्होंने हमें पहले कहा था कि अब आप कैट्स नहीं रख सकते अनदर 6 or 7 months। हमने पूरे अपने घर को सैनिटाइज करा और उसके बाद हमने डॉग रखा क्योंकि जो कैट और डॉग के वायरस होते हैं वो दोनों अलग अलग वायरस होते हैं। कैट का वायरस डॉग को नहीं आता और डॉग का वायरस कैट को नहीं आता। तो आज मैंने सोचा कि हम डॉग रखते हैं। हमने डॉग रखा
और आज की डेट में उसको 7 मंथ्स हो गए हैं, माई डॉग इज परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी। उसकी खाने की जोन मैंने ENE जोन रख दी है। ENE जोन पेट्स के लिए बहुत अच्छी है। महावास्तु में ENE जोन हमारी फन, एंटरटेनमेंट, बेस्ट बडी, फ्रेंड्स की जोन मानी जाती है। तो अब मैं उसका सारा सामान ENE जोन में शिफ्ट कर दिया हुआ है और वहीं पर उसको खाना देती हूँ, एंड ही इज वेरी हेल्दी। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू मीट हिम। सो हिज नेम इज सूफी। I'll just call him. Sufi, come. Say hi to everyone. Sufi, say hi to everyone. So, आप सभी देख सकते हैं ये बहुत हेल्दी है और 7 मंथ्स का हो गया हुआ है। सो आई रियली वॉन्ट कि हम सभी लोग अपने पेट्स को अपने बेबीज की तरह मानते हैं। तो आई विश कि आप सभी लोगों के घर पर भी जो भी पेट्स हैं, आप उनको सही जोन में खाना खिलाएं। कई बार हमें खुद ही नहीं पता चलता कि क्यों हमारा डॉग इतना अपसेट रहता है, क्यों हमारा डॉग कुछ खा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उनको कुछ गलत जोन में उनका खाना रख देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आई विश यू ऑल टू हैव अ गुड हेल्दी पेट्स इन योर होम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो देखकर काफी कुछ नॉलेज पेट्स के बारे में मिली होगी। अगर आपका पेट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ आगे भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।